Hello everyone. Welcome to an academy. Hello. कौन कौन लाइव आ गया फटाफट से कमेंट कीजिए. गुड आफ्टरनून एवरीवन. गुड आफ्टरनून. चलिए फटाफट से एक बार शेयर कर दो सारे स्टूडेंट्स के बीच में, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है वो हमेशा की तरह बेहतरीन होने वाला है. ठीक है, तो पेन और कॉपी निकाल लीजिए, आपको कैलकुलेशन करना है. हेलो ऋतिक, हेलो नेहा, जुगल, अनामिका, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून. चलिए फटाफट से शेयर कर दो और पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए. जो सेशन होगा वो बेहतरीन होगा. ओके, फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, वेट कीजिए ऋतिक. ओके, दिस सेशन विल बी अनबिलीवेबल. आप केवल पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए. हेलो रूपाली, हेलो स्पेशल हिंदी, गुड आफ्टरनून पूजा, हेलो विकास. चलिए फटाफट से एक बार शेयर कर दो. हम आज के सेशन को एकदम बेहतरीन बनाने वाले हैं. क्विज का सेशन होगा, फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड सारे के सारे सवाल होंगे. ठीक है, और उसका सॉल्यूशन भी मैं कराऊंगा उसी समय. तो आप फटाफट से रेडी रहें, अपनी पोजिशन में आ जाए, बढ़िया तरीके से बैठ जाए और क्वेश्चन को देख कर आपको आंसर करना है. ठीक है, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. ओके, गुड आफ्टरनून कंचन. देखिए, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है. ये पूरी मध्य प्रदेश के सारे एग्जाम के सिलेबस को कंप्लीट कराने वाली टीम ये आपके सामने. ठीक है, उसी का हिस्सा एक अजय सरकार. ठीक है, आप देखिए अनअकैडमी पर आप जैसे ही सारी चीजें तो आप जानते ही हैं कि अगर आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है क्या क्या चीजें आप गेन करेंगे. डेली लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं, लाइव टेस्ट मिलता है, स्ट्रक्चर कोर्स होता है, अनलिमिटेड एक्सेस होता है, एक वीडियो को बार बार देख सकते हैं. ठीक है, मुझे अगर आपको फॉलो करना है तो आप अनअकैडमी ऐप पर अजय सरकार नाम सर्च कर मुझे फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, और टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल ये एप्टीट्यूड बाय अजय सरकार, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, और अनअकैडमी को तो आपने फॉलो कर लिया है. चलिए तो आगे बढ़ते हैं. टॉप एजुकेटर की लिस्ट आपके सामने दी हुई है. ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम आपको JEE का, UPSC का कोई भी एग्जाम आपको प्रिपेयर करना है तो उसके लिए जो सब्जेक्ट्स होंगे उसका कंप्रेहेंसिव सिलेबस आपको यहाँ मिलेगा. जो भी सब्जेक्ट आपको उससे रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उस पर क्लिक करें और सारा का सारा कोर्स आपके सामने हो जाएगा. आप उसे कितनी ही बार वीडियो को देख सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा. ठीक है, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन की बारी आती है तब भी आप अगर मान लीजिए कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन घर बैठकर करना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए यहाँ पर रेफरल कोड का यूज करें सरकार, तो आपको जो 7000 का पैकेज है वो 6300 में मिलेगा. ये आपको 12 मंथ के लिए मिलेगा. ठीक है, उसके बाद 24 मंथ का अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ये आपको 7560 में मिलेगा, 8300 की जगह पर कब मिलेगा जब आप रेफरल कोड सरकार का यूज करते हैं. चलिए, हेलो संजय, चलिए तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम क्विज का सेशन. तो फटाफट से एक बार सभी लोग शेयर कर दें ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो डेली क्लासेस अटेंड कर रहे हैं वो फटाफट से आ जाएं और क्वेश्चंस को सॉल्व करें. जिन्होंने भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है तो पहले ट्राई कीजिए. टेंथ क्लास का ही सिलेबस चल रहा है. ठीक है, अगर आपको देखना है मैथ का ये वीडियो तो आप देख सकते हैं किस तरीके के लेवल होते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में. हेलो नर्मदा, हेलो अभिषेक. चलिए तो शुरू करते हैं. मेरे ख्याल से पहला सवाल स्टार्ट करें, फटाफट से शेयर कर दो फटाफट से. ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं. पहला सवाल आपके मोबाइल के सामने, देखिए ये है पहला सवाल, तो फटाफट से करना है. ये जो सवाल आया था ये MPPSC के सी सेट का जो पेपर होता है, सेकंड पेपर सी सेट,
सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट सेकंड जो पेपर होता है उसमें जो मैथ्स का सेक्शन था उसमें 51वें नंबर का क्वेश्चन है ये सीसेट का 2019 का पेपर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इस तरीके के सवाल हमने पढ़े हैं, कल ही पढ़े थे हमने। ठीक है, तो इस सवाल को आपको करना है, आपको बताना है ये फ्रैक्शन को सॉल्व करने पर आंसर क्या आएगा। देखते हैं फटाफट किसका आंसर आता है फास्ट। चलिए इसका आंसर बता दो फटाफट से, देखते हैं किसका आंसर बहुत जल्दी आता है फास्ट, किसका आंसर आता है, सॉल्व करें फटाफट से। फटाफट से कमेंट करें। फास्ट कमेंट करें, पहला ही सवाल है अभी तो स्टार्टिंग ही है, फर्स्ट सवाल। वेरी गुड, पहला जो जवाब आया है वो राजंती का आया है, राजंती धनवारे 32/43। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया शानदार जवाब। और कोई नहीं है कि बन नहीं रहा है। आंसर करें जल्दी। जल्दी से आंसर करें। अच्छा देखिए सॉल्यूशन देख लीजिए इस सवाल का। हमने आपसे कहा था कि नीचे से सॉल्व करना है आपको, यहां से जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपको इतना 10/3 आ जाएगा, 10/3। तो हम इसको लिखेंगे 1 - 1/3 + 3/10/3। ये 3 चला जाएगा ऊपर, 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 3 चला जाएगा ऊपर। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 - 1/3 + 3/10 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। उसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो उसके बाद सॉल्व कैसे करेंगे, 1 - 1/3 + 3/10। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 33/10। तो 10 ऊपर चला जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करके 30/33। क्लियर, इसको या तो आप यहीं पे सॉल्व कर लो, 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 11। ठीक है, तो इसके बाद जो होगा वो क्या होगा, 1 - 1/3 + 10/11। क्लियर हो गया, क्लियर, ये स्टेप समझ में आ गई, ये स्टेप समझ में आ गई सभी को। तो इसके बाद देखिए, तो इसके बाद देखिए, उसके बाद हम इसे क्या कर सकते हैं, 1 - 1/3 इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे 43 क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इसको पलटाओगे तो 1 - 11/ कितना आ जाएगा, 43 ये आएगा, आ जाएगा 43। अब देखो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 - 43 को 43 से मल्टीप्लाई करो और 11 माइनस करो तो ये आ जाएगा अल्टीमेटली आंसर 32/43। ये सवाल का आंसर है 32/43। क्लियर है। अब देखो ये जो कंडीशन बनी, ये जो कंडीशन बनी, यहां से हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व करें, आपने गुणा किया 43 + 43 फिर 11 माइनस किया तो 32 आया, 43 आया। क्लियर, तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से इसका शॉर्ट ट्रिक।
इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है देखो, देखना इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, ठीक है। मैंने लिखा यहां पर, मैंने लिखा देखो यहां पर ये वन था और यहां माइनस में इलेवन था अपॉन में 43। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद से आपने क्या किया, इसका गुणा किया फिर माइनस किया ऐसा। अगर मान लो सवाल ऐसा होता 19 माइनस में 21 अपॉन में 143, अब यहां से क्या आप मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर सॉल्व करते तो लेंथ ही पड़ जाता, क्योंकि इससे इसका गुणा करना पड़ता फिर माइनस करना पड़ता। तो यहां पर जब ऐसी कंडीशन बने तब हमें क्या करना है, ये ध्यान से समझना, कुछ नहीं करना है। देखो ये 43 और 11 को डिफरेंस लो, कितना आएगा 32, तो 32 आ गया ऊपर, तो नीचे क्या है 43 कितना आ गया नीचे, ये हमारा आंसर है। लेकिन यहां पर देखो ये 1 है, 1 में से एक माइनस करना हमेशा, तो क्या लिखोगे 0। अब जैसे यहां पर देखो 19 है, तो 19 में से एक माइनस करो कितना आएगा 18। अब 143 और 121 का मल्टी 21 का माइनस करो कितना आएगा 122, ये आएगा 122 आएगा आपका ऊपर अपॉन में क्या आ जाएगा नीचे 143, ये आ जाएगा। क्या समझा रहा हूँ फिर से समझो, अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसा लिखा 2 - 9 अपॉन में 11 ये लिखा है, तो आप करोगे 11 × 2 = 22, 22 में से 9 गया, ऐसे करोगे तो हम इसे क्या करते हैं डायरेक्ट, ये जो 2 है इनमें से हमेशा यहाँ पर कुछ भी हो हमेशा एक माइनस करना है, तो एक माइनस करोगे कितना आएगा 1। अब 11 और 9 का अंतर लो कितना आएगा 2 अपॉन में, हमेशा ये 11 लिखना है, हमेशा ये 11 लिखना है, तो ये आ गया आपका आंसर। क्लियर हो गया, क्लियर, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, इसको सॉल्व करें फटाफट से, इसको सॉल्व करें फटाफट, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता। हाँ इकाई के अंक से भी हो जाता, थैंक यू। गुड आफ्टरनून चिरा, फटाफट से इसका आंसर बताएं फटाफट। फटाफट से आंसर बताओ फटाफट, क्या आएगा इस सवाल का आंसर, फटाफट कमेंट करें किसका आंसर पहले आता है, देखते हैं। राजन जी धनवारे का आया है 7/4, ओके। अनामिका का आया बी 4/7, ओके। जुवल पटेल 7/4, ओके। और कोई, चलिए देखते हैं सवाल फटाफट से, देखो फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने इसको सॉल्व किया होगा ऑरली, 5 × 5, 5 × 4, 9, ये आ जाएगा 9/5, तो ये आ जाएगा 1 + 2 / 1 + 3 / 9 कितना आ जाएगा 5। इसको पलटाओगे तो 1 + 2 / 1 + 3, ये 5 चला जाएगा ऊपर, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन में कितना 9, या तो मल्टीप्लाई कर दो या कैंसिल कर दो, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में, ये आ जाएगा 1 + 2 / 1 + 5 / 3। फिर सॉल्व करें इसको तो 1 + 2 / 3 = 3, 3 और 5 = 8, 8/5, 8/3 आ जाएगा, ठीक है 8/3 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, इक्वल में 1 + 2 / 8 और ऊपर चला जाएगा 3, 2 से कैंसिल करोगे कितना आएगा 4, इसको जब और सॉल्व करोगे तो आ जाएगा अपना 1 + 3/4 = कितना
7/4। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, 7/4। जिसने भी आंसर 7/4 किया है बिल्कुल करेक्ट है। राजंती, जुगल, नामिका, संतोष, वेरी नाइस, विकास जी, बहुत ही शानदार जवाब है आप सभी के। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये लीजिए अगला सवाल, करें फास्ट। ये सवाल जो है, ये सवाल बनना चाहिए, देखते हैं किसको बनता है ये सवाल। फटाफट से, फटाफट फटाफट करें। पहले पूछा गया सवाल है ये भी सी सेट में, एमबीबीएससी के सी सेट के पेपर में पूछा गया था लास्ट ईयर। ठीक है, फटाफट से। अच्छा हिंदी बताएं, कुछ नहीं है हिंदी तो जरूरत ही नहीं इसमें, आपको वैल्यू फाइंड करनी है y माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई की, कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल हिंदी है। ये बता रहा है कि 1.5, ये पूछ रहा है अपने से 1.5 एक्स इक्वल्स टू 0.04 वाई, तो वाई माइनस एक्स अपॉन में वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, ये आपको दिया हुआ है, ये आपसे पूछा है। राजन जी का आंसर है 73/77, ऑप्शन नंबर ए आंसर दिया है। अनामिका ने भी आंसर यही दिया है। चलिए बहुत ही खूबसूरत जवाब, और कोई फटाफट से आंसर कमेंट करें। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। और किसी ने ट्राई किया क्या इस सवाल को? ओके जुगल ए, कंचन ए, बहुत ही बढ़िया। ओके वेरी नाइस, चलिए फास्ट फास्ट करें, फास्ट करें। कमेंट करें फास्ट। ओके वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत। चलिए तो देखें इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 15/ में नीचे 10 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा 4/ में, दसवें के बाद कितने डिजिट है 2, तो यहाँ पर आ जाएंगे 20 इंटू में क्या हो गया वाई। देखो 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल 2 से कैंसिल कर दो, 2 × 4 और ये आ जाएगा आपका 2×5=10। ठीक है, तो अब लिखोगे आप 15x इक्वल्स टू, जिनको कैलकुलेशन आती है वो फटाफट कर लेंगे इसको, है ना, तो ये आएगा 75x इक्वल्स टू कितना 2y, x अपॉन y की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 2/75। ठीक है, तो ये आ गया 2/70। क्लियर हो गया सभी को, हो गया क्लियर। अब देखो y की वैल्यू यहाँ रख दो, y की वैल्यू यहाँ रखोगे 75 - 2 और 75 + 2 आ जाएगा 73, ये आ जाएगा 77। तो ये सवाल का आंसर हो गया 73/77 इज द करेक्ट आंसर। जितने भी लोगों ने दिया है इसका आंसर, बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल ये रहा, इसको सॉल्व करना है, फिर इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक भी है। इसको सॉल्व करें सभी। नमस्ते सर, चलिए फटाफट से इसका आंसर बताओ फटाफट।
सी आंसर दे रही है अनामिका जी, 1/9। ओके विकास का आंसर आ रहा है 4। निशा तिवारी 1/2। ओके और कोई राजेंद्री का आंसर है 7/18। ओके और किस किस का आंसर आ रहा है? चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखो कॉन्सेप्ट क्या है पहले ये समझो, कॉन्सेप्ट समझो क्या है। ठीक है कॉन्सेप्ट समझा दूं तो कॉन्सेप्ट क्या है देखो जरा ध्यान से। अगर मैंने लिखा यहां पर 1/2×3 प्लस 1/3×4 प्लस 1/4×5, इसे हमें सॉल्व करना है। तो आप देखेंगे सीरीज चल रही है यहाँ पर 2, 3, फिर यहाँ पे 3, 4, फिर 4, 5, अगला 5×6। तो आपको ये सीक्वेंस देखना है और कुछ नहीं करना है। देखो ये है आपका पहला टर्म, ये आपका कौन सा टर्म है? फर्स्ट टर्म। और ये आपका कौन सा टर्म है? लास्ट टर्म। ठीक है ये आपके फैक्टर, ये छोटा फैक्टर, ये बड़ा फैक्टर, ये छोटा फैक्टर, ये बड़ा फैक्टर, ये छोटा फैक्टर, ये बड़ा फैक्टर। कुछ नहीं करना है, यहां से बड़ी संख्या लेना है आपको कितनी है 5, यहां से छोटी संख्या लेनी है कितनी 2। ठीक है ये 5 लिया, ये 2 लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, गुणा करोगे तो कितना आएगा 10। अरे कितना आएगा 10 आएगा। जब 10 आएगा तो आप मुझे बताओ 5 और 2 का एक बार डिफरेंस ले लो, 5 और 2 का एक बार क्या ले लो? डिफरेंस ले लो, कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा 3 आएगा। अब कुछ नहीं करना है, ये 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5 का डिफरेंस से गुणा कर दो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3/10। एक मिनट, अच्छा ठीक है एग्जांपल हमने जो आंसर दिया उसका आंसर कितना आएगा 3/10। अब देखना ध्यान से, अगर मान लीजिए ये क्या किया अभी समझ में नहीं आया तो देखो, जैसे अगर मैंने आपसे कहा 1×4 प्लस 1/4×7 प्लस 1/7×10, ये है सीरीज। अब आप देखोगे इसमें डिफरेंस कितने का है 3 का, इसमें डिफरेंस कितने का 3 का, इसमें भी कितने का 3 का, और लगातार सीरीज चल रही है 1, 4, 4, 7, 7, 10। ठीक तो हमें क्या करना है, पहले फैक्टर अंतर लेना है और नीचे आपको क्या लेना है गुणा, और यहां पर आपको फैक्टर्स का अंतर, फैक्टर्स का डिफरेंट। फैक्टर्स क्या है आपके 1, 4, 4, 7, 7, 10 के फैक्टर है। ठीक है तो सबसे बड़ा फैक्टर देखो कितना है, सबसे बड़ा फैक्टर क्या है 10, सबसे बड़ा फैक्टर क्या है 10, और यहाँ पर सबसे छोटा फैक्टर क्या है 1। तो इन्हीं का डिफरेंस लेना है। तो 10 में से 1 गया कितना आ गया, 10 में से 1 गया कितना आ गया 9 आ गया। अब गुणा भी इन्हीं का करना है तो 10 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। फैक्टर का डिफरेंट मतलब इनका जो डिफरेंस है वो कितने का है 3 का, कितने का है 3 का, 3 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा आपका 3×3 9, आंसर आ जाएगा आपका 3/10। इसका आंसर भी कितना आ रहा है 3/10। ये एक तरीका है, लेकिन एक और दूसरा तरीका क्या है देखो, कुछ नहीं करना है, ये जो 2 है ये छोटा नंबर है और लास्ट वाले टर्म से बड़ा नंबर लेना है तो 5 और 2 का गुणा करो, 5 ने कितना 10 आ गया। अब कुछ नहीं टर्म्स गिन लो, 1, 2, 3, 3 है तो 3 ऊपर लिख दो, बस आंसर आ गया 3/10। वैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो आप बड़ा नंबर क्या है 10, छोटा नंबर क्या है 1, तो 10 और 1 का गुणा कर दो कितना आ जाएगा 10, और टर्म्स कितने 1, 2, 3, तो 3 से ऊपर गुणा कर दो, ये आंसर आ गया। ठीक है वैसे इसको करना है तो देखो, इसको करना है तो पहले इतने वाले भाग को देखो, केवल इतने वाले भाग को, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2×3 प्लस 1/3×4 प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं
4 × 5 प्लस अप टू कहां तक चला जाएगा ये 8 × 9। अब आप देख रहे हैं सीक्वेंस को, अरे सीक्वेंस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो सबसे छोटा फैक्टर क्या है 2, और इधर पे सबसे बड़ा फैक्टर क्या है 9। इन दोनों का पहले डिफरेंस लेना है और दोनों का ही हमें मल्टीप्लिकेशन लेना है। तो डिफरेंस बोलो कितना है, डिफरेंस कितना है 9 और 2 का, डिफरेंस कितने का है 7। 9 और 2 का गुणा करोगे कितना आएगा 18। 9 और 2 का गुणा करोगे कितना आएगा 18। क्लियर हो गया यहाँ तक, 18 आ गया। अब आपको डिफरेंस से आप भाग दे रहे थे, तो डिफरेंस एक आया, 1 से भाग दोगे तो कितना जाएगा 7/18। ये तो आंसर आ गया है, लेकिन मैं आपसे केवल इतना बोल रहा था दूसरा तरीका जो हमारा था वो बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना है। छोटी संख्या 2 बड़ी संख्या 9 गुणा कर दो, 9 × 2 = 18 बस। अब यहाँ पे आपको टर्म्स काउंट करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7। तो 7 ऊपर लिख दो, आंसर हमारा आ गया 7/18। ये क्लियर हो गया सभी को, 7/18 ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन 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 ऑप्शन में नहीं है, उसका रीजन ये है कि हमने 1/9 को प्लस नहीं किया। तो अब आप यहाँ पे 1/9 प्लस क्या लिखोगे 7/18 लिखोगे 18। बस हमने पढ़ा है कि बेस को सेम कर लो, तो 2 का गुणा ऊपर 2 का गुणा नीचे, तो 2/18 हो गया। ये 7/18 है ही ऑलरेडी, ठीक है 7/18 है ही ऑलरेडी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये वाली स्टेप के बाद से यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको मैंने लिखा 2/18 प्लस 7/ कितना 18 लिखा, क्लियर है 18। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 18, और ऊपर वाले को जोड़ दो 7 और 2 = 9, कितना है 9 दिया जाएगा 1/2। तो अल्टीमेटली जो आंसर है हमारा वो हमारा ऑप्शन है नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 1/2। जुगल का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, निशा का भी बिल्कुल करेक्ट है। ओके निशा, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, सभी का जवाब बढ़िया है। समझ में आ गया सभी को, समझ में आ गया। एक और सवाल दूं क्या इस टाइप का, एक और सवाल देता हूं मैं आपको इस टाइप का सवाल, ठीक है। तो रेडी रहना, ये है रहा सवाल, करो फास्ट, देखते हैं किसका आंसर अब आता है। इस सवाल का आंसर फटाफट से लेकर आओ, इसका आंसर फटाफट से लेकर आइए और कमेंट कीजिए फास्ट। थैंक यू दुर्गेश जी, थैंक यू। जुगल पटेल का आंसर है 6/1/5। ओके एनीबडी एल्स, निशा का आंसर आया है 6/1/5। ओके निशा, दो आंसर सेम आ गए। और कोई, राजन जी का भी आंसर आ गया है 6/1/5। अनामिका ऑप्शन डी, ओके। और कोई, मुकुल का, मुकुल ठीक है, थैंक यू। प्रियांश का भी आंसर आ गया है 6/1/5। ओके बहुत ही शानदार, यहाँ का आंसर आ गया 6/1/5। संतोष जी का आ गया है 6/1/5। और भी है क्या, फटाफट से आंसर करें फटाफट फास्ट, फिर मैं इसको डायरेक्ट फ्लिक से करते हैं अपन फास्ट। ओके कंचन का भी आंसर आ गया डी। चलिए तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1, इसको लिख सकते हैं 5 × 6 प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब ये जैसे 30 लिखा है, अब इसी के जैसे अगले फैक्टर भी बनाओ। 6 तो यहाँ आ ही जाएगा छोटा नंबर, अब डिफरेंस 1 का है तो अगला नंबर यहाँ पे क्या आएगा 7। सचिंग 42 बन रहा है मतलब करेक्ट है, नहीं बनता तो दूसरा फैक्टर लेके देखते हैं, ठीक है। अब तो कहां तक चला जाएगा ये, इस तरीके से चला जाएगा आपका 9/10 10/11 10/11 तक ये पहुंच गया। अब देखो इसका छोटा नंबर क्या है हमारे पास 5, और इसका बड़ा नंबर क्या है हमारे पास 11। दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 55, और काउंट कर लो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 है यहाँ पर, तो 6/5 यही सवाल का करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया सभी को, क्लियर है सभी को, क्वेश्चन क्लियर हो गया, ट्रिक समझ में आ गई। अगले सवाल की ओर बढ़े, अगले सवाल आपकी स्क्रीन पर, छठा सवाल ये रहा, करें जल्दी फास्ट।
ओके वेंचर, चलिए फास्ट करें इसको। छठवां सवाल बड़ा आसान सवाल है। आशीष भारद्वाज का आंसर आया है सी। ओके जुगल का आंसर आया है 512। ओके सी, अनामिका का भी सी, प्रियांश पटेल सी, राजंती सी। ओके चेतना जी का आंसर आया है 512, निशा का आंसर आया है 3। ओके वेरी नाइस, वेरी गुड, सभी का आंसर मेरे ख्याल से आ गया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस हो रहा है आप लोगों का सभी का। चलिए तो एक बार सॉल्व कर लेते हैं हम भी से। तो सबसे पहले ठीक है, कंचन का भी आंसर आ गया, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये क्या आएगा आपका 5 अपॉन में 3 प्लस 3 अपॉन में, देखो 3 एकम 3 में से 2 गया, कितना बचेगा 1 1/3। ठीक है, फिर सॉल्व करेंगे इसे, फिर सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा आंसर 5 अपॉन में, ये पलट जाएगा तो 3 प्लस, ऊपर तो 3 है, ये 3 ऊपर चला जाएगा यहां से यहां, तो मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन में नीचे क्या बचा 1 बचा 1। इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करोगे तो 5 अपॉन में 3 प्लस 3 = 9। अब नीचे 1 बचा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो 5 अपॉन में यह आ जाएगा आपका 12। ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये सभी का सही है, सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, ये सभी का सही है। चलिए तो अगला सवाल बढ़ते हैं। नेहा, पंकज बिल्कुल, आरती बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगला सवाल है 7वां सवाल, इसे करना है सभी को फास्ट। पहले देख लो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, वो वैल्यू आपको बतानी है, तो आपको समय लगेगा, फास्ट करें थोड़ा। ओके संतोष जी करेक्ट था, इसे सॉल्व करें 7वां सवाल। जल्दी करें कमेंट। ओके 5, सभी का 5 आया है, अनामिका, निशा, राजंती, जुगल, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं हम इसको सॉल्व करके, पहले फटाफट से आंसर कमेंट करें सभी लोग। बेटा मैथ से भागो ना, मैथ से भागो ना, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट के बाद जो वीडियो होगी वो क्विज की होगी, तो इसमें आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्विज होगा, उससे थोड़ा सा हटकर होगा। अगर हटकर कोई क्विज है तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन वहीं पर करूंगा। ठीक है, तो आप केवल वीडियो में बने रहें, डेली पढ़ाई में मन लगाए, लाइव क्लासेस चल रही हैं आपकी समय पर, तो लाइव क्लास अटेंड करें। ठीक है, ओके ओके कंचन, प्रियांश, पंकज, जुगल, बहुत बढ़िया,
टन क्या लिखा है आप? सी, बिल्कुल करेक्ट। चलिए तो सातवां सवाल एक बार सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 3/2, 2 चला जाएगा ऊपर तो 2/3 हो जाएगा, फिर 3 बन जाए 3, फिर 2 5, 5/5 कितना आ जाएगा 3, 5/3 फिर पलट जाएगा मतलब ये आ जाएगा 3/5, तो 5 से गुणा, 5 एकम 5 और 3 8, तो जाएगा आपका 8/5। तो इसको लिख सकते हम x बराबर में 1+5/8, तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 8/5 13/8, ये आएगा, ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो 2 × 13/8 प्लस में 7/4, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से कैंसिल कितना 4, तो 7 + 13/4 = 20/4, मतलब ये आ जाएगा आपका कितना 5, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सभी लोग क्लियर है? ठीक है, क्लियर है सभी को, सभी लोग करेक्ट है, विकास, राहुल बहुत ही शानदार। आठवां सवाल आपके सामने ये रहा, इसको सॉल्व करें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसको सॉल्व करना है, देखते हैं किसका आंसर फास्ट आता है। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है आपको कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, कुछ नहीं करना है इसको सॉल्व, आप तो केवल इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें और इसको 45/2 इसके फॉर्म में ले आए, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा, यहाँ पर जो वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा। फास्ट ओके, इसका आंसर बताओ फास्ट, क्या हो सकता है इसका आंसर। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको बताना है कि कौन सा डिजिट आएगा ऑप्शन से, या नन ऑफ दिस भी दिया हुआ है, आपका कुछ अलग आ रहा है तो वो आपका आंसर होगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए फटाफट। ओके, जुगल का आंसर आया 17, आशीष का आंसर आया 23, और कोई, प्रियांश का भी आंसर आया 17, ओके। चलिए और किसी का आंसर, ओके, निशा का आंसर है 17, आरती का भी आंसर है 17, ओके, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो 17 की ओर जा रहे हैं, तो देखना होगा क्या 17 आंसर सही है, पंकज भी हैं ए। चलिए तो सॉल्व कर रहे हैं पहले, तो देखो 44 और 17 को प्लस करना है तो कितना आएगा, ये यहीं पे प्लस कर लीजिए, 17 और 44 को प्लस करेंगे कितना आएगा 61 में से 15 को माइनस करना है, यहीं पे माइनस कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 6 और 4 46, ये आ गया आपका 46। ठीक है, प्लस में ब्रैकेट्स में आपको फ्रैक्शंस को ऐड करना है, 4+5/6 − 3/8, यहाँ माइनस इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं, डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, 24 बनाते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, 24 बनाएंगे तो 24 बनाने के लिए, इसको 24 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई ऊपर तो 6 आ जाएगा, यहाँ 24 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई तो 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई आ जाएगा 20, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई आ जाएगा 9, तो नीचे तो 24 हो ही गया है तो हमने 24 ले लिया। क्या किया है, क्लियर हो गया सभी को, डिनोमिनेटर सेम करके ऊपर वालों को छोड़ दिया, तो 46 प्लस इसको ऐड करेंगे तो 29 प्लस 6 कितना
35 अपॉन में कितना 24, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 46 35 अपॉन में 24। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर 46 35 अपॉन 24 आ रहा है। अब इसको इससे कंपेरिजन करते हैं, आप मुझे बताओ 46 35 अपॉन 24 इक्वल्स टू 45 क्वेश्चन मार्क अपॉन में 24, तो क्या ये इक्वल होगा या नहीं होगा? कैसे सॉल्व करेंगे बताओ जरा, जब गलत हो रहा है क्या? क्या गलती हो गई? वेरी गुड, यहाँ पे क्या होगा माइनस 9, 20 और 26, 26 में से 9 माइनस करोगे, 26 में से 9 माइनस करोगे तो आएगा आपका 17, क्या आएगा आपका 17 अपॉन में 24, क्लियर है, आ जाएगा 17 अपॉन 24। तो इसको अब यहाँ पर हम रखते हैं 17 अपॉन में 24। तो देखो इसको इससे कंपेरिजन करोगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आनी चाहिए बताओ जरा, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी? हाँ 17 आ गया, देखो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी बताओ, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी मुझे बताओ? इसके बराबर में 46 17 अपॉन में 24 आ चुका है, तो क्या ये सही है या गलत है? अरे आंसर हम लिख सकते हैं क्या बताओ? हाँ हाँ माइनस कर दिया है ठीक है, माइनस कर दिया है। अरे आंसर क्या आएगा ये बताओ, क्या आ सकता है इसका आंसर क्या आएगा बताओ, आप लोगों का क्या आ रहा है आंसर? चालीस आएगा, हाँ कैसे कैसे आएगा 41? सॉल कर ले, चलिए इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 61। अरे यस और नो, इसको एलसीएम ले लेते हम 24 6 29 प्लस टू 45 क्वेश्चन मार्क अपॉन में 24, इसको माइनस करेंगे 6 4 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 26 में से 9 गया 17 अपॉन में 24, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 12
बताइए फटाफट। यहां तक सही है? यहां तक समझ में आया? यहां तक सही है सभी को? सभी ने ऐसे किया यहां तक? बिल्कुल, यहां तक आ गया समझ में। अब ये स्टेप तो आपने देखा है कि ये तो आ गया। अब जब हम एक जोड़ते हैं तो यहां पर जो वैल्यू आएगी, यहां पर जो वैल्यू आएगी आपको यहां तक तो सॉल्व करना ही है, यहां तक तो सॉल्व करना ही है। उसके बाद आपको क्या करना है देखो, 46 17 अपॉन में कितना 24, ठीक है, बराबर में यहां पर वैल्यू पुट करके देख लो। अगर आपने 41 रखा यहां पर, तो 41 रखा तो आप मुझे बताओ इसको सॉल्व करोगे तो 45 24 से कम 24 बचा 17, 17 बटे कितना 24, यही होगा। ये जब होगा तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 45 प्लस 1 46, तो ये आ जाएगा आपका 46 17 अपॉन में 24। मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी ना वो कितनी आएगी, 41 आएगी। 41 वाले बिल्कुल करेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। तो जिसका भी आंसर 41 आया है वो बिल्कुल सही है, 41 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है चलिए अगले सवाल, नौवां सवाल ये रहा। नौवे सवाल को करो फास्ट, नौवे सवाल को करें फास्ट। नाइन्थ नंबर के सवाल को करना है फास्ट। इसका आंसर फास्ट आता है देखते हैं। ये वाला सवाल नहीं बन रहा है क्या? देखो ये बोर्डमास नियम के पहले बता दिया, पहले यहां पे देखो जो मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई पहले करना है ना, ध्यान रखना। इसका मल्टीप्लाई करोगे 18 चौके 72, 72 और 3 75, 75 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 15 सत्ता 105, 105 और 3 108, 108 अपॉन में 15 बराबर में क्वेश्चन मार्क माइनस में 26। इसकी वैल्यू निकालना है तो 15 से कैंसिल कर दो, 15 5 75, चार से कैंसिल करोगे, चार दूना आठ, चार सत्ता 28, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करें जरा क्या होगा ये, या तो आप सबको जोड़ दीजिए, 15 दिया 45 और 2 47 बटे 3, 37 दिया 99 और 1 100 बटे 3 प्लस यह आएगा आपका 135 माइनस में 26, 26 को इधर ले आओगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। कैसे लिख देते हैं 135 प्लस 26 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें जरा, ये आपका आ जाएगा 47 प्लस 100 प्लस, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये 161 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 3,
इसके पहले वाली इसके वैसी है, 47 अपॉन में 3, 100 अपॉन में 3 प्लस 161, फिर आप एलसीएम लोगे तो ये वाली स्टेप आ जाएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें आप, क्या जाएगा आपका 147 प्लस मल्टीप्लाई करो 48 अपॉन में 3, सॉल्व करें तो 400 500। ठीक है, 663 1 3 3 2 नीचे 10, 210 है क्या ऑप्शन में? यस, 210 इज द करेक्ट आंसर। आंसर 210 आ गया है जुगल का, चेतना, राहुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, खूबसूरत जवाब। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करना है, इसमें से आपको स्टेप्स को काटना है कि आप कैलकुलेशन की मदद से आप कर सकें। ठीक है, तो अगले सवाल ले रहा हूँ, 10वां सवाल, ये लीजिए, इसको कीजिए फास्ट। ओके, करेक्ट आंसर है जुगल, चेतना, राहुल। इस सवाल को करें फास्ट, उसके बाद में दो तीन सवाल और हैं इम्पोर्टेंट, उन्हें सॉल्व करना है आपको, मेन चीज तो वही है। ऑप्शन थ्री, ओके, 740/113। चलिए ठीक है, और कोई 740/113, चेतना का भी आंसर सेम है। ओके, वेरी गुड, अनामिका का ऑप्शन सी, विकास का बी। चलिए, और कोई, निशा का आंसर आया है थ्री। चलिए फास्ट कमेंट करें, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, पहले इसको सॉल्व करते हैं, 4 3 12 और 1 13 बटे कितना आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 + 8/13। ठीक है, यहां पर ये बचेगा, फिर 13 3 6 52 52 8 60 60/13, ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा अपना 5 + 39/60, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको सॉल्व करना है नेक्स्ट, 7 + 2/5 + 39/60, आप सॉल्व कर लेना, ये मेथड में बता चुका हूँ आप लोगों को सभी को। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, 3 से कैंसिल कर दो तो छोटा हो जाएगा ये, ये आपका हो जाएगा 113/20। सॉल्व कर लेना आप, 7/40/11। ये आंसर आ रहा है क्या सभी का? ये आंसर आ रहा है क्या? अगर ये आंसर आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोगों का सभी का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, आपने पूरा सॉल्व किया जुगल, ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो 11वां सवाल आपके सामने, ये रहा, फटाफट से बताओ कि फाइंड द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। सबसे बड़ा भिन्न बताना है आपको क्या होगा, सबसे बड़ा भिन्न बताना है आपको क्या होगा। तो 10C, ओके, सबसे बड़ा फ्रैक्शन बताना है आपको क्या होगा इसे? राहुल का आंसर है 5/7, ओके, फाइव बाय सेवन। जुगल,
और कोई? इसका आंसर दीजिए फटाफट, मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ फ्रैक्शन में। इसका आंसर क्या होगा, बड़ा फ्रैक्शन क्या होगा? संदीप जी का आंसर है 5/7, आरती का है 5/7, चेतना का भी 5/7 है। फटाफट राजंती 5/7, जुगल 5/7, राहुल 5/7, अनामिका बी ऑप्शन, ओके 5/7 करेक्ट है। चलिए चलिए, सभी का करेक्ट है। तो हमने बताया था कि इसे सॉल्व कैसे करना है, 2/3, कई मेथड बताई थी हमने इसकी। ठीक है, कोई भी दो फ्रैक्शन ले लो और देखो कि बड़ा फ्रैक्शन निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो। 3 का 1 से करोगे कितना आ गया 3, 2 का 2 से करो कितना आ गया 4, 3 बड़ा है कि 4 बड़ा, 4 बड़ा है मतलब फ्रैक्शन ये वाला बड़ा है। फिर इन दोनों का कंपेरिजन करोगे तो फिर से मल्टीप्लाई करो, 14 आ जाएगा, 5 कितना आ जाएगा 15, तो 15 बड़ा है कि 14 बड़ा है, 15 बड़ा है, इसका मतलब 5/7 बड़ा फ्रैक्शन है। ये मेथड अगर देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो में जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। करेक्ट आंसर है सभी, निशा कंचन, अनामिका नेहा, आरती, संदीप, चेतना, ओके वेरी नाइस वेरी। चलिए 5, 12 सवाल आपके सामने, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताना है, सबसे छोटा फ्रैक्शन, सबसे छोटा फ्रैक्शन आपको आंसर बताना है। इनमें से सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, इनमें से सबसे छोटा फ्रैक्शन मतलब भिन्न कौन सा है, सबसे छोटा फ्रैक्शन बताना है। ओके संतोष जी का आंसर है 7/12, इनका आया है घरू साहब का 2, जुगल पटेल 7/12, ओके। और कोई और कोई और कोई फटाफट, चेतना 7/12, अनामिका सी, राहुल का आंसर है 2, ओके। और किसी का आंसर है, और किसी का आंसर आ रहा है, फास्ट करें, छोटा फ्रैक्शन बताना है, छोटा फ्रैक्शन, छोटा फ्रैक्शन बताना है, क्या होगा इनमें से सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या होगा। कुछ नहीं करना है, कई मेथड है जिसका डिनोमिनेटर देखो, सबसे पहले दो फ्रैक्शन ले लो। अब आपको टारगेट बनाना है, क्या निकालना है आपको, छोटा फ्रैक्शन। ठीक है, तो गुणा करके देखो, 1177 8 9 72, तो 72 छोटा लग रहा है तो ये फ्रैक्शन छोटा है। फिर तो इन दोनों का कंपेरिजन करें, 13 8 114 और 11 9 99, तो 99 छोटा लग रहा है तो यही फ्रैक्शन छोटा होगा। फिर इन दोनों का कंपेयर करें, 12 9 की 108, 13 7 91, तो 91 छोटा है, मतलब सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या है, 7/12, तो 7/12 जिसका आंसर है करेक्ट है। राहुल, अनामिका, चेतना, राजंती, कंचन, राहुल, निशा, वेरी गुड वेरी नाइस, बहुत ही शानदार जवाब है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, चलिए बताएं फटाफट, गलती ना करें, आपको बताना है असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम में जमाना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, इन्हें आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको व्यवस्थित करना है। कीजिए जरा आराम से, कीजिए सॉल्व, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। छुट्टन का आया आंसर 3, ओके। उपेंद्र का आंसर आया 3,
बना या नहीं आप लोगों को सभी को? थ्री ऑप्शन थ्री, चेतना संतोष, ओके बहुत ही बढ़िया आंसर है सभी के। नन आया है उपेन जी का, ऑप्शन में बदलाव। चलिए कुछ नहीं करना है बच्चों, देखो इन दोनों का डिफरेंस लो, दो का है अंश में भाग दे देना, अंश और अंतर। ये जो है ये हमारा क्या है डिफरेंस, अंश में भाग देना है। अंश क्या है 117 बटे दो, यहाँ अंश क्या है 121, दोनों के बीच में अंतर कितने का है दो का, दो से भाग दो। सब मेथड ये सब में अप्लाई होगी, डिफरेंस कितने का दो का, ऊपर क्या है 119, यहाँ डिफरेंस कितने का 6 का और ऊपर क्या है 123। अब आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ हमें आरोही क्रम में जमाना है, आरोही क्रम में जमाने के लिए आप मुझे बता सकते हैं कि ये सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, सॉरी उससे बड़ा ये सेकंड नंबर पे, ठीक है ये फर्स्ट नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे और ये फोर्थ नंबर पे। तो आप देख सकते हैं आरोही क्रम में जमाना था और लिखे किस में है अवरोही क्रम में। ये आपका आरोही क्रम है तो आरोही क्रम में मतलब सबसे पहले छोटा आ जाएगा 123 बटे 6 सबसे छोटा, फिर आपका आ जाएगा 117 बटे 2 है तो 117 बटे 119, फिर आपका क्या आएगा 119 बटे 2 मतलब 119 बटे 121, फिर आपका क्या आएगा 121 बटे 123। इस तरीके से जहां भी लिखा होगा, इस तरीके से जहां भी लिखा होगा वो आपका आंसर होगा। तो आप देखेंगे यहां पर ऑप्शन में सबका मुंह इधर है, तो इनका मुंह 121 123 ये दिया हुआ है और किसी ऑप्शन में है ही नहीं, और दूसरा तीसरा भी देखना है तो दूसरे नंबर पर आपका दिया 119 बटे 121 और थर्ड नंबर 117 बटे 119, मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर है इस सवाल का। हाँ ऑप्शन में अवरोही दिया हुआ है तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। चिन्ह तो देखिए ना, आप चिन्ह देखिए अवरोही दिया हुआ है, ठीक है अवरोही में हमने आंसर दे दिया, आरोही क्रम में व्यवस्थित ये नीचे किया है, ठीक है और अवरोही में हमें ऑप्शन दिया हुआ था इसलिए हमने आंसर 3 कर दिया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है, कल फिर मिलते हैं या कुछ देर के बाद स्पेशल क्लास हो सकती है मेरी 4 बजे के समथिंग, ठीक है तो फिर मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहें, और किसी को सब्सक्रिप्शन लेना है तो रेफरल कोर्सेज अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो उसमें रेफरल कोड सरकार का यूज करें और 6,300 रुपये में वो सब्सक्रिप्शन आप प्राप्त करें 12 महीने के लिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।